नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों आज मैं आपसे एक बहुत ही खूबसूरत प्लांट के बारे में बात करूंगा जिसका नाम है बेबी सनरोज। जैसा कि दोस्तों नाम से ही पता चल रहा है, ये प्लांट जो है सन लविंग प्लांट और इसमें बहुत ही खूबसूरत जो है ये छोटे छोटे जो है फूल खिलते हैं। इसके जो फ्लावर्स हैं दोस्तों वो फुल सन में ही खिलते हैं, इसलिए इस प्लांट को जो है सनरोज कहते हैं। आप इस प्लांट को है फुल सन में रखिए। और दूसरा, ये प्लांट जो है दोस्तों ट्रेलिंग प्लांट है। जैसे आप इस प्लांट को आप लगाते हैं तो ये धीरे धीरे करके नीचे की साइड जो है ये बुशी होता जाता है, और जैसे यदि हम जैसे दीवार के ऊपर लगाते हैं तो ये नीचे की तरफ बढ़ता हुआ पूरी दीवार को जो है कवर कर लेता है और बहुत ही खूबसूरत लगता है। इस प्लांट को दोस्तों बरसातों में यदि आप कटिंग करते हैं तो ये बहुत ही घना हो जाता है और बहुत ही खूबसूरत लगता है। इस प्लांट को दोस्तों मैंने ये देखिए बास्केट में भी लगाया हुआ है। बास्केट में भी ये दोस्तों बहुत ही खूबसूरत प्लांट लगता है और ये मेरी बास्केट पूरी तरह से इस प्लांट से भरी हुई है। ये प्लांट जो है ये दोस्तों पेरिनियल प्लांट है और सारा साल हमारे गार्डन में बना रहता है। यदि दोस्तों ये प्लांट फ्लावरिंग भी ना करे तो इसके लीव्स ही इतने खूबसूरत होते हैं जो हमें बहुत ही खूबसूरत लगते हैं, और जैसे भी आप अपने गार्डन में जहां भी इसको लगाते हैं बहुत ही खूबसूरत लगता है। इस प्लांट को दोस्तों आप कटिंग से लगा लीजिए तो आसानी से चल जाता है और सारा साल ये हमारे गार्डन में प्लांट चलता रहता है। वैसे तो दोस्तों ये प्लांट जो है सकुलेंट प्लांट है, तो इस प्लांट को जो है वो पानी बहुत ही कम चाहिए होता है, इसलिए दोस्तों वाटरिंग की बात करें तो इस प्लांट को आप जब भी लगाएं तो इस प्लांट को कम से कम पानी दें। ज़्यादा पानी दोगे तो दोस्तों इसकी प्लांट जो है रूट्स गलने लगेंगे, ये प्लांट जो है मरने लग जाएगा। सॉइल मिक्सचर की बात करें दोस्तों, जब भी इस प्लांट को लगाएं तो पूरी तरह से वेल ड्रेन सॉइल में ही लगाएं, जिसमें एक हिस्सा खाद, एक हिस्सा मिट्टी, एक हिस्सा रेत और एक हिस्सा कोकोपीट लें। और यदि आपके पास जो है कोकोपीट नहीं है तो आप ये 3:1 यानी खाद, मिट्टी और रेत में भी इस प्लांट को लगा सकते हैं। इस प्लांट की ग्रोथ बहुत ही तेजी से होती है और ये प्लांट बहुत ही जल्दी घना हो जाता है। फर्टिलाइजर की बात करें तो आपको इस प्लांट को महीने में एक बार एक मुट्ठी या गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट जो भी आपके पास हो वो इसे दे सकते हैं। दूसरा दोस्तों, मैं अपने जैसे सभी आउटडोर प्लांट्स को महीने में दो बार लिक्विड फर्टिलाइज़र देता हूँ, बनाना पील फर्टिलाइज़र या मस्टर्ड केक फर्टिलाइज़र, तो कुछ क्वांटिटी मैं इस प्लांट में भी डाल देता हूँ, जिससे दोस्तों ये प्लांट मेरा जो है बहुत ही खूबसूरत रहता है, इसकी लीव्स चमकदार रहती हैं और अच्छी फ्लावरिंग करता है। और दूसरा दोस्तों, वैसे इस प्लांट को जो है ज़्यादा फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन फिर भी दोस्तों मैं इसे महीने में एक बार जो है एक मुट्ठी खाद दे ही देता हूँ। दूसरा, प्रोपोगेशन की बात करें दोस्तों, ये प्लांट जो है स्टेम कटिंग से बहुत ही आसानी से जो है प्रोपोगेट हो जाता है, और आप इसकी दोस्तों छोटी से छोटी कटिंग, जैसे यहाँ से भी आप इसको काट लीजिए, यहाँ से भी छोटी सी कटिंग आप लगा देंगे दोस्तों, वो छोटी सी कटिंग ही जैसे ये है दोस्तों, इसके लीव्स आप नीचे से कट करके, ये छोटी सी छोटी कटिंग भी दोस्तों इस प्लांट की आप लगा देंगे, ये छोटी सी छोटी कटिंग भी इसकी जो है इजिली जो है ग्रो हो जाती है। वैसे इस प्लांट को दोस्तों लो मेंटेनेंस प्लांट भी कहते हैं क्योंकि इस प्लांट की इतनी ज़्यादा केयर नहीं है। ये दोस्तों मेरा ये मदर प्लांट था, मैंने अपने एक बहुत ही अच्छे दोस्त से अपना ये छोटी सी कटिंग लेके आया था, उससे दोस्तों मैंने अपना ये गमला और ये हैंगिंग बास्केट दोनों तैयार कर ली, और दोस्तों बहुत ही जल्दी से ये प्लांट ने अपनी ग्रोथ कर दी है। जितना ज़्यादा बढ़िया आपका दोस्तों फर्टिलाइज़र होगा उतनी ही जल्दी किसी भी प्लांट की ग्रोथ होगी। दूसरा दोस्तों,
इंसेक्ट्स की बात करें, इस प्लांट को कोई भी मिलीबैक्स या इंसेक्ट्स का जो है अटैक नहीं होता। मेरा ये प्लांट्स दोस्तों करीब करीब 7-8 महीने इस प्लांट को हो चुके हैं, आज तक मेरे इस प्लांट में कोई भी इंसेक्ट्स का अटैक नहीं हुआ है। फिर भी दोस्तों प्रिकॉशंस के तौर पर मैं इसमें महीने में एक बार या 20 दिन में एक बार नीम ऑयल का स्प्रे कर देता हूँ, जैसे मैं दूसरे प्लांट्स में करता हूँ। उससे दोस्तों ये सभी इंसेक्ट से बचा रहता है। तो दोस्तों यही सब इन्फॉर्मेशन थी जो मैंने इस प्लांट के साथ आपके साथ शेयर की है। दोस्तों आपको होप ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।